एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बड़ी के घर पे आए हुए हैं। बड़ी मतलब हमारी बड़ी मासी के घर पर आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो अभी वो चले भी गए हैं। तो उनके जाने के बाद देखिए हालत क्या है। दी वो जा चुके हैं तो घर का पूरा हाल इधर उधर हो पड़ा है। और ये थक के खाना वाना शायद आज पूरा इन्होंने ही बनाया था, तो कैसे पड़े हुए हैं थक के। देखिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ, किचन का हालत देखिए गाइस, क्या हाल है। ये किसका किचन होता है ऐसा? यही होता है जब कोई घर से घर पे आके बाहर जाता है। तो ये हमारा बेगुर है जहाँ हम रहते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा नागेश्वरा टेम्पल है जो कि शिव जी का टेम्पल है। यस ऑफ कोर्स। तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ये जरूर करती हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है करना। जब भी आती हूँ ये जरूर करती हूँ। हमारी बड़ी अभी हमारे दीदी से बात कर रही है जो कि नेपाल में रहती है। दी तो क्या नेचर बसे को मन चले खाना खिला रहा था कि ना शरीर से रहा था। आपने वीडियो हेरी रहे करे सुबह रे खोत्रा बना रहे ना पंडित जी मेरे को देखा कहीं देखा। वाह तुम नहीं देखे थे? नहीं हम अभी देख रहे हैं पूरा देखो। हम सही में पंडित लग रहे हैं ना। पार्ट टाइम शुरू कर लो। सही बता रहे हैं, अच्छा कलेक्शन होगा। रे दीदी सारा काम तुम किया आज? हाँ। क्या बनाए? क्या बनाए? और हम आगे के ब्लॉग में बोल दें कि पूरा खाना तुम बनाए। को नहीं पता दाल बनाने में कितनी मेहनत लगती है। दाल को सबसे पहले जाके डब्बे को उठाओ, फिर डब्बे को खोलो। आर यू ट्राइंग टू कॉमेडिंग मी? इसमें से दाल डालो, फिर देखो कहीं कम ज्यादा ना हो जाए, फिर उसको जाके धो, फिर उसमें पानी डालो, फिर उसमें मसाले डालो, फिर ढक्कन लगाओ, फिर गैस पे बिठाओ। तुम्हारा हालत क्या होगा भाई, क्या हालत होगा तुम्हारा? बड़ी हमारी बड़ी को भी चैनल खोलना है। उनको पता ही नहीं कि हम रिकॉर्डिंग में है, ऑलरेडी वो आके मुझे बोल रही है कि चैनल खोल के दो। बड़ी आज को खाना कोले बनाएको थियो रे? आज खाना दाल दिदीले बनायो, बाकी मैले बनायो। कस्तो झूठ बोले, तो पूरा खाना बनायो रे तुम? ऐसे झूठ काहे बोले? मैले राम्रो दाल बनाए मैले। आगेको ब्लगमा भन्दाखेरि किन भनिनस् अन्त? तैले त्यो तैले आफ्नो मन घडक कहानीबाट मनबाट सोचेर भनिस्, तैले मलाई सोधिनस्। होइन अघि मैले भन्दाखेरि त क्या मजाले अरे तो गाइस खुलासा हो चुका है कि आज का खाना दीदी ने नहीं बनाया, दीदी ने सिर्फ दाल बनाया था। पूरा खाना बड़ी माँ ने बनाया था। मन बेड़ा भने मैले खाली के पनि भन्ने, म आफ्नो धुनमा बसिरहेको थिएँ। यसले आफ्नो मन बेड़ा भन्यो हुन्छ भन्यो। कस्तो उजाला आयो बाहिर सफेदीका उजाला बडी बाहिरबाट आयो भनेको बस्ती जलाउनु। यो मेरो क्यूट छ डोरेमोन। खाओ खाओ, इतना खाना बना के थक गई होंगी। खाओ खाओ। ये चटनी हो चोरी से लेता हूँ गाइस, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।